जिसमें 140 करोड़ मुसलमानों का एक भी नुमाइंदा नहीं है। आज ये वोट मांगेंगे मुसलमानों से, आज ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप कमल के फूल का बटन दबा के इनके उम्मीदवार को जितवाओगे। लेकिन खुदा रा इनसे पूछिए ना कि बटन दबाने से पहले कम से कम हमें ये तो बताएं कि इस मुल्क में आपको एक भी काबिल ऐसा आपकी हुकूमत में वजीर बना सको। क्या इसलिए आप हमसे वोट मांग रहे हो कि कल को हम दोबारा आपके हाथों नजरअंदाज हो जाएं, कि आपके हाथों हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाए? क्या इसलिए आप वोट मांग रहे हो कि जो हाल मुसलमानों का यूपी और बाकी रियासतों में है वो हाल यहां पे हो? आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए यूपी की सरकार को बार बार पूछा जाता है कि जो आप मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाते हो, जो आप मुसलमानों के घरों पे और दुकानों पे बुलडोजर चलाते हो या किस कैसे चलाते हो, जो वहां मस्जिदों पे ताले रखते हैं, जो दरसगाहों पे ताले रखते हैं, जो मदरसों पे ताले रखते हैं, वो किस खाते में? हमारी बहनों को बेटियों को जब कॉलेज और स्कूल में अंदर जाने से पहले उनके दुपट्टे उतारे जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि पहले हिजाब उतारो फिर जाके तालीम हासिल करो। क्या इसलिए ये कमल के फूल वाले यहां आके आपसे वोट मांगेंगे? जो नमाज जुमा की नमाज अदा करते हुए नमाजियों को सजदा करते वक्त लात मारे जाए, क्या उसके लिए ये लोग आपसे वोट मांग रहे हैं? मरकज में हमारी कोई हैसियत नहीं, इनके प्रोग्राम में हमारी कोई हैसियत नहीं, और फिर यहां आएंगे अपना निशान दिखाएंगे और आपसे वोट मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको तकसीम करने के लिए। ये चाहते सिर्फ इतना ही है कि हम बट जाएं, अलग हो जाएं, हमारी आवाज कमजोर हो जाए। और इस कमल के फूल के नुमाइंदे से मैं पूछूं, क्या आप नहीं हो जिसने 2014 में सिर्फ इस बीजेपी को रोकने के लिए वोट मांगे थे? मुझे वो दौर अच्छी तरह से याद है जब यही नुमाइंदा उस वक्त कलम दमाद लेके घूम रहा था। उस वक्त क्या कह रहा था ये कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। उस वक्त इस उम्मीदवार, आज वही उम्मीदवार अब बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। कहीं ना कहीं तो हमारी सियासत में ऐसे लोगों को पार्टियां बदलने वाली सियासत, आज यहां कल यहां परसों यहां, सिर्फ इसलिए कि इख्तदार के साथ में जुड़ा रहूं, लोगों को उस इख्तदार का जरा सा भी फायदा नहीं, लोगों को उस इख्तदार का जरा सा भी उसमें शामिल होना दोबारा शुरू नहीं हुआ। जिस जम्मू पहले मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था, शायद ही यहां पे कोई हमले हो रहे थे, शायद ही कहीं पे मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा था, लेकिन आज देखिए चाहे चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, रियासी हो, जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, कहीं ना कहीं हर हफ्ते किसी ना किसी हमले की खबर आ जाती है। इन लोगों ने यहां तबाही और बर्बादी के अलावा हमें कुछ नहीं दिया, और इसलिए मैं आपसे मौतबाना गुजारिश कर रहा हूं कि 25 तारीख को आप इस नौजवान को यहां से कामयाब करके भेजिए। इसके दिल में एक ही तमन्ना है कि मैं लोगों की खिदमत, क्योंकि आप लकड़ी जलाते हो उससे आपसे सेहत पे असर पड़ता है, आप गोबर जलाते हो उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, ये गैस का चूल्हा जलाओ इससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वजीर आजम साहब उस वक्त ये बताना भूल गए कि गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी देना पड़ता है, और गैस के सिलेंडर की कीमत जो है हर महीने ये लोग बढ़ाते रहते हैं। नतीजा ये निकला कि आम तौर पर लोगों ने वो चूल्हा तो लिया लेकिन उस चूल्हे को जलाने के काबिल वो नहीं रहे, उस पे कपड़ा चढ़ाया और सजावट के तौर पे अपने घर में उस चूल्हे को रखा। हमने अपने मंसूर में वादा किया है कि जिन घरों में उस चूल्हे को जलाने की ताकत नहीं है उनको हम साल में 12 गैस के सिलेंडर मुफ्त फराहम करेंगे, ताकि आपके घरों में वो मोदी साहब का मुफ्त जो गैस का चूल्हा है वो जलना शुरू हो जाए। लेकिन चूल्हे का क्या फायदा है? 14 से पहले राशन कार्ड के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आपको चीनी मिलती थी, आपको राशन स्केल उस हिसाब से मिलता था कि आपका गुजारा हो पाता था। आज राशन कार्ड से ना आपको चीनी मिलती है,
ना मिट्टी का तेल मिलता है और राशन का स्केल काट काट के इन्होंने 3.5 या 4 किलो महीने का लाया हुआ है, जिस 3.5 से 4 किलो से किसी का गुजारा नहीं होता। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आई तो हम राशन डिपो के जरिए दोबारा मिट्टी का तेल और चीनी आपको फरहम करेंगे। और राशि बात की, यहाँ एक डिमांड है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का एक कैंपस इस इलाके में खुले, लेकिन विरासत में हमें बाबा एक ओम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अगर कुछ दिया था तो हमारे बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का निज़ाम था। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हमारे बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाती थी। इन लोगों ने एक एक करके उसको काटा और आज वो मुफ्त तालीम कहीं नहीं। हमने अपने मंशूर में अपने बच्चियों से वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आई तो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हम दोबारा मुफ्त तालीम इनको फराहम करेंगे, ताकि कल को जाके हम पूरी दुनिया में, मुल्क में और दुनिया में जो है बाकियों के साथ मुकाबला कर सकें। इसी तरह कई और बातें हमने अपने मंशूर के जरिए किए हैं, जो मैं चाहता हूं कि आज और 25 तारीख के दरमियान जावेद जो है आप तक इन चीज़ों को पहुंचा। छीना गया जिसका मैंने जिक्र किया यहां पे, उस वक्त हमसे बड़ी बड़ी बातें हुई जो आज कमल का फूल लेके जो है झंडे पे यहाँ घूम के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कमल के निशान पे कहते हैं बटन दबा के कामयाब करो, उन्होंने हमसे वादे करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। उन्होंने उस वक्त गली गली जगह जगह ये कहा कि अगर हमारी तरक्की में कोई रुकावट है वो 370 है, अगर यहाँ अमन में कोई रुकावट है वो 370 है, अगर बच्चों के रोजगार में कोई रुकावट है वो 370 है, अगर तालीम या साफ पीने का पानी या बिजली में कोई रुकावट है वो 370 है, और 370 हटते ही यहाँ तमाम मुतालबे और मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब 370 हटने के बाद 5 साल हो गए, खुदारा ये कमल के फूल वाले हमें बताएं ना बिस्कोट रंका की सरजमीन पे क्या ऐसा हासिल हुआ इस 370 के बरक्स, कौन सा ऐसा रोजगार आया, कौन सा नया कारखाना बना, कौन सी नई फैक्ट्री आई। यहाँ पे हम इन दूर दराज इलाकों पे मौके पे डीजी साहब को भेजा करते थे वो डायरेक्ट भर्ती कैंप कराने के लिए, वहां पे कैंप लगता था स्पेशल भर्ती का, अगर कद बराबर छाती बराबर तो मौके पे डीजी साहब ऑर्डर पे दस्तखत करके वहां पुलिस में भर्ती करते थे नौजवानों को। आज 10 साल का अरसा हुआ है, शायद ही इस बुद्धल के असेंबली हल्के में कहीं पे भी इस तरह की पुलिस की भर्ती का सिलसिला रहा होगा, यहाँ तक के कहीं पे भी सरकारी मुलाजमत का कोई जो है निज़ाम ही नहीं रहा। हम लोग हैं अपने मंशूर में हम वादाबंद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, इंशाल्लाह अगर आपके वोटों से जावेद जीता, अगर आपकी दुआओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो पहले दिनों के अंदर अंदर हम 1 लाख सरकारी मुलाजमत जो है वो लगाने का काम करेंगे। हम इन दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी साहब को भेज के यहाँ डायरेक्ट भर्ती जो है पुलिस में कराने का काम करेंगे। तहसील का ऐलान तो किया था, उस पर दस्तखत भी किए, हमने उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की, हमारी हुकूमत रही नहीं, कई वजूहात के बुनियाद पे 2014 में हम इलेक्शन हार गए। लेकिन हमारे बाद जो आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना असर रसूख, अपने रिश्तेदारों का असर रसूख ये सारा कुछ इस्तेमाल करके उस तहसील को जो है कायम होने नहीं दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनी, जावेद आपका यहां से चुना हुआ नुमाइंदा होगा, हम उस तहसील के ऑर्डर को दोबारा जिंदा कर देंगे। बात की जाती है, हैरान होता हूं मैं इस बात से कि जो आज बीजेपी का उम्मीदवार है उसने अभी तक फिलहाल इसमें कोई काम शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं तो उसकी तार दिल्ली से जुड़ी हुई रही, कहीं ना कहीं तो उसका रिश्ता मरकज की हुकूमत के साथ रहा। हम बार बार बीजेपी वालों से ये डबल इंजन सरकार की बात सुनते हैं कि जहां डबल इंजन होगा वहां बड़ी तरक्की होगी। डबल इंजन इनका मतलब ये कि वजीर आजम भी उनका तो वजीर आला भी उनका, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें इनका डबल इंजन सरकार देखे हुए अब 10 साल हो गए, 10 साल डबल इंजन का हमें तजुर्बा रहा है।
2014 के इंतखाबात के बाद अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, वो मोदी साहब के साथ मिलके वो डबल इंजन। 2016 में जब मुफ्ती साहब वफात पा गए और महबूबा मुफ्ती साहिबा वजीर आला बनी, वो भी डबल इंजन। जब 2018 में उनकी हुकूमत गिरी और राजभवन के जरिए यहाँ हुकूमत शुरू हुई, उस वक्त सत्यपाल मलिक साहब उनके गवर्नर, वो भी डबल इंजन। सत्यपाल मलिक साहब के जाने के बाद मुर्मू साहब, वो भी डबल इंजन। अब हमारे ये मनोज सिन्हा साहब, वो भी डबल इंजन। हमने 5 इनके डबल इंजन देखे नाम, इन 5 डबल इंजन के बाद भी यहाँ कोई आपका मुतालबा हल नहीं हुआ। उस सड़क पर DPR तक नहीं बना, और वो आज बात हमारे रोड्स के मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया, यहीं पे आके उसने कहा, जनाब BJP के उम्मीदवार साहब, आप 10 साल तक कर क्या रहे थे? आप तो हुकूमत में शामिल थे, आप अपनी पार्टी में रहके आप हुकूमत के नजदीक थे, अब तो आप BJP में रहके और ज्यादा हुकूमत के नजदीक हो, कम से कम और कुछ नहीं तो DPR तैयार करवा के आप रोड मिनिस्टर के टेबल पे रख देते, ताकि कम से कम आगे जाके इस सड़क पे काम शुरू हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो पाया, बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह जब आपके वोटों के नतीजे में जावेद साहब यहाँ जीत के जाएंगे, हमारी हुकूमत बनेगी, हम DPR बनवा के दिल्ली भेजेंगे, कितना मुश्किल होता ना इन लोगों के लिए कॉलेज देना। आखिरकार जो हुकूमत के साथ इतना करीबी रिश्ता रखते हैं, उनके लिए कॉलेज का ऐलान करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे ख्वास में कॉलेज की बात की जाती है, पीरी में कॉलेज की बात की जाती है, आखिरकार जो आदमी 22 साल कहीं ना कहीं हुकूमत के साथ जुड़ा रहा, उस रिश्ते के बावजूद भी अगर इन इलाकों को कॉलेज से महरूम रखा गया, तो ये नालायकी का सबूत नहीं है और किस चीज का सबूत है? इंशाल्लाह ये कॉलेज आपको मिल जाएंगे, और जनाब जावेद साहब आके इन कॉलेज का संग बुनियाद यहाँ पे रखे जाएगा। मुलाजमत इन्होंने दी नहीं, मुलाजिम लगे नहीं, कम से कम क्योंकि बार बार ये BJP वाले जो मुल्क भर में तकरीरें करते हैं, कहते हैं आप टूरिज्म का हमने तूफान किया, बहुत टूरिस्ट आए, लेकिन हम इस जगह टूरिस्ट क्यों नहीं आते? यहाँ कश्मीर के मुकाबले खूबसूरती में कौन सी कमी है? यहाँ मेहमान नवाजी में हम कौन सी कमी रखते हैं? हम भी अपने मेहमानों को इज्जत और अदब से जो है उनके साथ पेश आने का के आदी हैं, तो ऐसा क्यों कि चाहे वो कोटरंका हो, चाहे वो खास हो, चाहे बुद्धल हो, चाहे झमोला हो, ऐसी हमें मिला ना टूरिज्म के लिहाज से हमें मिला। बिजली की बात करें, आज बिजली को लेके कहीं से भी मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो परेशान नहीं है। बिजली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट, और बिजली का बिल महीने में आपको वक्त पे मिल जाता है, और जहां हमारे दौरे हुकूमत में आपका बिजली का बिल महीने का 200-250-300-300 से ज्यादा नहीं, आज देहात के इलाकों में भी महीने का बिजली का बिल 1650 रुपए से कम नहीं आता। आमदनी क्यों ना आपकी 1500 हो, लेकिन बिजली बिल 1650 के लिए हमने वोट मांगे, वो साल 2014 था। उस इलेक्शन और इस इलेक्शन के 10 साल का जो अरसा रहा, वो जम्मू कश्मीर के लिए वाकई बहुत भारी और बहुत कीमती साबित हुआ है। जब इससे पहले 2014 में मैं कोटरंका आया, बुद्धल आया, मैंने उस वक्त अपने नुमाइंदे के लिए वोट मांगे, हमारी हैसियत अलग थी, हम एक रियासत का दर्जा रखते थे, लद्दाख का इलाका हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमारा झंडा अपना था, आईन अपना, हमारी वजूद को पहचान, वकार, जमीन पे हक, रोजगार पे हक, अपनी दरियाओं पे हक, लेकिन इस 10 साल के अरसे में वो सारा कुछ हमसे लिया गया है। आज ना हमारी रियासत है, ना लद्दाख हमारा इसमें हिस्सा है, आज हमारा अपना झंडा नहीं, आईन नहीं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारे जमीनों पे अपना हक कब्जा और हक नहीं, हमारे रोजगार पे अपना कब्जा और हक नहीं, और ये सब बदकिस्मती से
हमारी कमजोरियों और हमारी खामियों का ही नतीजा रहा। हम बटते गए, हम बिखरते गए, हम तकसीम होते गए, हमारी आवाज कमजोर होती गई और आखिरकार हम इस मरहले में पहुंचे जहां पे शायद आज बाकी रियासतों के मुकाबले में उनके पास हमसे कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमसे कोई ऐसी चीज ली नहीं गई है जो कल को अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा हम दोबारा वापस हासिल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो हमसे लिया गया है वो हम वापस भी ला सकते हैं और लाने का तरीका भी जानते हैं।